वहीं भदरवा के शहीद एएसआई इरशाद अहमद शेख की लाश का उनके अहले खाना इंतजार ही करते रहे। शहादत की खबर मिलते ही इलाके के लोग ताजियत के लिए शहीद इरशाद के घर इकट्ठा होने लगे। सबको उम्मीद थी कि अगर हम बात करें तजहीज और तदफीन के लिए उनकी लाश हेलीकॉप्टर या चॉपर के जरिए भेजी जाएगी, लेकिन उनकी लाश गाड़ी से भेजी गई। खराब मौसम के सबब आखिर रस्मात के लिए लोगों को देर रात या फिर सुबह तक का इंतजार करना होगा। सरकार और इंतजामिया के इस रवैये से लोगों में खासी नाराजगी पाई जाती है। आज ये हादसा सुबह 9:30-10 बजे हुआ है। अफसोस की बात है कि डेड बॉडी हमें अभी तक नहीं मिली है। हुकूमत वक्त को चाहिए था और डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो चॉपर का इंतजाम करे। हालांकि हमें ये भी बताया गया था कि डोडा तक एयरलिफ्ट कराया जाएगा, उसके बाद डोडा से बाई रोड आ जाएंगे, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं जी, ये बाई रोड आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक खास और इंतजामिया की बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आई है। शहीद एएसआई इरशाद अहमद शेख का जस्ते खाकी उनके घर अभी तक नहीं पहुंचा है और गाड़ी से इसे भिजवाया जा रहा है, जिसके चलते अब आखिर रस्म के लिए और इंतजार करना होगा।